अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज हम बनाएंगे खट्टे आलू। उसके लिए हमने 1 किलो आलू लिया है, ये हमने काट लिए। आपको आलू इस तरह काटने हैं, ऐसे इस तरह काटने हैं। आलू काटने के बाद यहाँ पर हमने गैस पर प्रेशर कुकर चढ़ाया है। अब हम इसमें पहले तेल गरम करेंगे। यहाँ पर तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें मसालों का पेस्ट डालेंगे। पहले गैस हम धीमी आंच पर रखेंगे। अब मिर्च डालेंगे, लाल मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज फ्राई होने के बाद अब हम इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, सौंफ डालेंगे, बाकी सारे मसाले, गरम मसाला, जितने भी काली मिर्च सब डालेंगे। सारे मसाले डालने के बाद अब हम इसको थोड़ी देर और फ्राई करेंगे। फ्राई होने के बाद अब हम इसमें आलू डालेंगे। आलू को थोड़ी देर फ्राई करने के बाद अब हम इसमें इमली का पानी ऐड करेंगे। इसमें हम नमक ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार।
और थोड़ा सा वाटर डालेंगे। थोड़ी देर के लिए ढक्कन रखेंगे, ढक्कन लगाकर थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। थोड़ी देर पकाने के बाद हम ढक्कन उठाएंगे और देखेंगे हमारे आलू तैयार हो गए हैं। ये देखिए खट्टे आलू तैयार हो गए हैं। आप इसमें इमली की जगह नींबू का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इमली का पानी नहीं डालना चाहते हैं तो आप नींबू का पानी भी डाल सकते हैं। हमारा खट्टा आलू की रेसिपी तैयार हो गई है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।